सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो फॉर द मोबाइल वीडियोग्राफर्स। अगर आपको मोबाइल में वीडियोस एडिट करने का शौक है या फिर आप जब ट्रैवल करते हो आप अपनी मोबाइल अपनी वीडियोस को तब एडिट करके डालना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी ढाबे में बैठे हैं, आप किसी कैफे में बैठे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहाँ पे आपके पास लैपटॉप नहीं है, वहाँ पे आपके पास Adobe Premiere नहीं है, आपके पास FPS नहीं है, FPC नहीं है, आपके पास आफ्टर इफेक्ट नहीं है, और आप उसी वक्त अपनी वीडियोस को एडिट करके अपने यूट्यूब पर डालना चाहते हो, अपने इंस्टाग्राम पर डालना चाहते हो, अपने फेसबुक पर डालना चाहते हो, स्टोरीज पर डालना चाहते हो, सो दिस App is for you. I will tell you few reasons के why I feel कि अब तक की जितनी भी apps मैंने video editing apps मैंने use करी है ना अपने mobile में, उन सब की बाप app है ये अब तक। मैंने 2020 में भी एक video निकाली थी 5 या 7 video editing apps जो आप try कर सकते हैं, but I don't think कि इस video editor के बाद मुझे उस video की ज़रूरत है या उन apps की ज़रूरत है, because ये एक single video editing app आपकी सारी चीज़ों को cover कर देती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी cover करती है जो उन video editing apps में आपको नहीं मिलती है। So without wasting a more time, लेट्स ओपन दैट ऐप एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे को उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग लगी और जो आपको भी एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लग सकती है इफ़ यू लव टू एडिट योर वीडियोज इन योर मोबाइल। सो जिस वीडियो की एडिटिंग ऐप की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ VN। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे आप सब लिखिए VN, आपको वहाँ पे VN वीडियो एडिटर करके मिल जाएगा एंड आप वो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे चलते हैं कि जो चीज़ें इस ऐप को एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग बना रही है। अगर मैं सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करूँ यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखता है एक्सपोज सेटिंग। आप एक्सपोर्ट सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यू कैन सी अ लॉट्स ऑफ रेजोल्यूशन अवेलेबल जिसमें आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको 4K एंड 2K क्वालिटी मिलती है अपनी वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करने की, विच इज अ रियली कूल थिंग। आगे के कुछ फीचर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो आपको 2K मिलता है, आपको 4K मिलता है, नॉट जस्ट दिस आपको FPS भी मिल रहा है। नीचे अगर आप देखें तो आपको 24 FPS मिलता है, आपको 25 FPS मिल रहा है, आपको 60 FPS तक मिल रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ स्लो मोशन, नॉट एक्चुअली अ स्लो मोशन। अगर उसको आप डबल कर दो 120 FPS तो आपकी बहुत ज़्यादा स्लो मोशन वीडियो बन जाएगी। तो ये आपको 60 FPS तक की ऑप्शन देता है, फीचर देता है जिसमें आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आपको बिट रेट्स भी मिलते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, अगर आपको वीडियो Adobe Premiere या FCP वे एडिटिंग करने की आदत है या फिर आपको वीडियो की थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता चलेगा कि बिट रेट्स आर रियली इंटरेस्टिंग थिंग जब आप अपनी वीडियोज़ को एक्सपोर्ट करते हो। तो आपको यहाँ पे बिट रेट्स भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, फीचर मिल जाता है, और आप अलग अलग बिट रेट्स पे भी अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस। तो आपको डिफरेंट रेजोल्यूशन मिल रहा है, आपको डिफरेंट FPS मिल रहा है एंड आपको डिफरेंट बिट रेट्स मिल रही है। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप प्रीव्यू परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू के काफ़ी सारे कि आप जो अपनी वीडियो जो एडिट कर रहे हो तो वो आपको किस प्रीव्यू में दिखाए। आपको हाई रेजोल्यूशन पर नहीं देखनी है तो आप इसको 720p पे कर सकते हैं, तो आपको मोबाइल ज़्यादा हीट नहीं होगा, लैग नहीं करेगा जब आप वीडियो एडिटिंग आप कर रहे होगे। ये आपको फीचर्स आपके Adobe Premiere के अंदर भी मिलते हैं, FCP के अंदर भी मिलते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ बिफोर आई विल गो इसके बाकी फीचर्स पे, सो दिस ऐप इज अवेलेबल फॉर iOS एज वेल एज द एंड्रॉयड यूजर्स एंड नॉट जस्ट फॉर द iOS एंड एंड्रॉयड यूजर। अगर आपके पास iMac है या विंडोज है तो आप अपने iMac एंड विंडोज में भी इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को नहीं एक्चुअली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर भी आता है, आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे इनकी वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लिंक्स मिल जाएंगे एंड आप अपने iMac और विंडोज में डाउनलोड कर सकते हो अगर आप Adobe Premiere में या FCP में इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। तो अब बात करते हैं इसके बाकी चीजों की। तो आप जैसे देखेंगे ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो अगर मैं सबसे पहला वाला प्रोजेक्ट खोलूं तो सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको दिखने को मिलेगी वो है इसकी टाइमलाइन। आपको टाइमलाइन मिलती है जिसके अंदर आप सबसे ऊपर म्यूजिक डाल सकते हैं या इफेक्ट डाल सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना खुद का वॉइस ओवर। अगर आपने कोई वीडियो बना रखी है आपको अपना वॉइस ओवर देना है तो आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी म्यूजिक है जो आप डालना चाहते हैं, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है या कुछ और है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड बार है ऊपर से वो है आपका सबटाइटल्स का। अगर आप सबटाइटल्स डालना चाहते हैं अपनी वीडियोज में तो आप सबटाइटल्स भी डाल सकते हैं। सो देर आर सो मेनी फीचर्स अवेलेबल ऑन दिस ऐप। थर्ड अगर मैं बार की बात करूँ तो वो है आपका सेकेंड वीडियो अगर आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ फोटो अगर आप ऐड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपकी वीडियो चल रही है और यहाँ पे आप अपनी आप मोबाइल से कुछ क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे आप अपना फाइनल रिजल्ट दिखाना चाहते हैं छोटा सा स्क्रीन पे, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वीडियो फोटोज दिखनी शुरू हो जाएंगी एंड आप इसमें से कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, द मेन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको अब यहाँ दिखेगी वो ये है, जैसे ये वीडियो यहाँ पे डल गई है, अब आपने देखी ये ऊपर आ रही है वीडियो। अब मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो छोटे से शुरू हो और ये कॉर्नर पे आए यहाँ पे, और इसको मैं और छोटा कर दूँ ऐसे करके,
और इसको मैंने यहाँ पे सेट किया। नाउ आई वॉन्ट कि इसके अंदर ना थोड़ी एनिमेशन हो, धीरे 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 करके बड़ी हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वीडियो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको ऊपर देखेगा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं फोटो या वीडियो, इसको रिप्लेस करके। उसके अलावा यहाँ पे आपको की फ्रेम्स दिखेंगे। तो आपने पहले सबसे पहले की फ्रेम पे ऐड किया, क्लिक करते ही आपको एक की फ्रेम दिख गया। आप आगे गए, बिल्कुल थोड़ा आगे गए जहाँ पे आपको लगता है कि आपको वीडियो को बड़ा करना है। आपने वीडियो को बड़ा कर दिया और आप वीडियो को कहीं पे घुमा भी सकते हैं। आपने सेंट्रलाइज लिया है, अब आपका की फ्रेम ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पीछे करना है और एक बार प्ले करके अपनी वीडियो को चेक कर लेना है कि भाई इसमें एनिमेशन कैसी आई है। तो आप देखेंगे आपकी वीडियो एनिमेट होके बड़ी भी हो रही है, प्लस वो सेंट्रलाइज भी आ गई है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग रियली कूल। आप और भी की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फोटोज डाल सकते हैं एकदम से दिखाने वाला, या एनिमेशन अगर आपको देनी है कुछ तो आप वो भी कर सकते हैं, विच इज़ रियली कूल। आप इसमें की फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे नीचे वाले टाइमलाइन की, जिसमें आपकी मेन वीडियो आएगी। उसमें आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज डाल रखी है, नवीन वहाँ पे शूट कर रहा है मेरा फ्रेंड। आपको ये बीच में जो दिख रहा है, दीज आर द ट्रांजिशन जो आपको दिख रही है। यहाँ पे आप ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रांजिशंस मिल जाएंगी और उनका ड्यूरेशन मिल जाएगा जो आप डालना चाहते हैं। और ट्रांजिशंस के अलावा आप अगर देखें तो वीडियो मेरी सिलेक्टेड है। अब वीडियो वाले पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। द फर्स्ट इज फिल्टर, टेम्पलेट मिलते हैं, टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट पे भी मैं आऊँगा धीरे धीरे। उसके अलावा सबसे कूल जो है इसका स्पीड वाला बार है। स्पीड है इसके आपकी वीडियो स्लो आप करना चाहते हैं या फास्ट करना चाहते हैं। नॉर्मली जो आपके जितने भी वीडियो एडिटिंग ऐप जो आपकी मोबाइल में आती है ना, उसमें आप नंबर्स में करते हो, 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, उसके बाद 4 होता है। लेकिन सबसे कूल और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसके अंदर है, अगर मैं स्पीड को क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको कर्व्स दिखते हैं। आप कर्व्स के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस के अंदर यू नो फास्ट फॉरवर्ड एंड स्लो मोशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बार को हिलाना है, आपकी वीडियो बिल्कुल एंड में जाके बिल्कुल फास्ट स्लो मोशन हो जाए, तो आप नीचे कर दीजिए, वो बिल्कुल स्लो चलेगा। अगर आपको लगता है बिल्कुल फास्ट हो जाए तो आप उसको आगे कर दीजिए, वो एकदम भागती हुई जाएगी। तो ये कर्व वाला ऑप्शन जो है, ये आपको किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में नहीं मिलेगा, विच इज़ रियली कूल। सो ये एक सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को दिखा, क्योंकि अब आप नंबर्स पे प्ले नहीं कर रहे हो, अब आप कर्व्स में कर रहे हो और आप अपनी उंगलियों के अकॉर्डिंग अपनी एनिमेशन को, अपनी जो स्पीड को है जो आप चेंज कर रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग रियली कूल ऑन इट। उसके अलावा इसके अंदर बाकी सारे वही ऑप्शन है जो आपके दूसरे वीडियो एडिटिंग ऐप्स में आपको मिलते हैं। स्प्लिट का है, ट्रिम का है, कुछ इफेक्ट्स मारने हैं, बैकग्राउंड करना है, क्रॉप करना है, मिरर करना है, फ्लिप करना है, फ्रीज करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है, रिवर्स करना है, जूम इन करना है, जूम करना है अपनी वीडियो को, फॉरवर्ड करना है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं टेम्पलेट की। तो टेम्पलेट में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट्स बहुत सारे जो इनके बंदे बनाते हैं, जैसे आपने भी कोई वीडियो बनाई, आपने बहुत सारे ट्रांजिशंस दिए, बहुत सारा टेक्स्ट ऐड किया, तो वो आपका ना यहाँ की आपकी जो अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। और VN के थ्रू आपके जो दूसरे बंदे हैं जो VN यूज़ करते हैं, उनको वो दिखना शुरू होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते वक्त प्राइवेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो जैसे आपने टेम्पलेट पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो लोगों ने क्लिक किए हैं। अगर आपको लगता है कि यार इतनी ज़्यादा एनिमेशन नहीं करनी, इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देना, एक सिंपल सॉर्टेड सा टेम्पलेट मिल जाए जिसमें मैं अपनी फोटो या वीडियो घुसा दूँ, टेक्स्ट लिखाओ वहाँ पे, मैं अपना टेक्स्ट चेंज कर दूँ, तो आप वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वन इज़ रियली कूल, जो मैंने डाउनलोड भी करके रखा है। तो आपने देखा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इस टेम्पलेट में अपनी फोटो एंड वीडियोस, ये आपको बोल देगा इतनी फोटो तो इतनी वीडियो सेलेक्ट करो, आप सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से ये जैसी वो बनी है वही एनिमेशन, वही सब चीज़ें, मिरर विरर सब कुछ उसमें डाल देगा। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी वीडियोज़ एंड फोटोज़ को उसमें ऐड करो, जो भी आपको लगता है टेम्पलेट जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, एंड उसके बाद आप एडिट ईजिली एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। अब एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे कूल जो चीज़ इसके अंदर है वो आती है एक्सपोर्ट के वर्क, जो सबसे इंटरेस्टिंग एंड जिसकी वजह से ये जो ऐप है ये सबसे कूल बनती है। एंड दैट इज, अगर आप पूरी वीडियो देखें आपको कहीं पे भी वाटरमार्क नहीं दिखेगा इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो एडिटिंग ऐप के अंदर आपको वाटरमार्क नहीं मिलता। जब आप अपनी पहला टेम्पलेट बनाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल लास्ट के वक्त इनका वाटरमार्क मिलेगा। आपकी वीडियो जहां एंड होती है उसके बाद एक अलग से एक कॉलम होगा जो इनके वाटरमार्क का होगा, जो आप हटा सकते हैं, जैसे मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट वाला जैसे ही राइट बटन दबाएंगे, यहाँ पे ये आपका टाइटल पूछेगा, आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं। आप बिल्कुल नीचे जो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है प्राइवेसी, इफ यू वॉन्ट कि आपने जो एडिट किया वो किसी और को ना दिखे, तो आप पब्लिक वाले पे क्लिक करिए और इसको कर दीजिए प्राइवेट।
एंड ये वीडियो सिर्फ आपकी ही ऐप में और आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी, वो किसी और को नहीं दिखेगी। सो एट द एंड आपको 4K क्वालिटी में एक्सपोर्ट मिल रहा है, आपको डिफरेंट FPS मिल रहे हैं, आपको डिफरेंट बिट रेट्स मिल रहे हैं, आपको स्पीड को बहुत ही अच्छे वे में कंट्रोल करने की पावर मिल रही है, आपको ट्रांजिशंस मिल रही है, आपको टाइमलाइन मिल रही है, आपको म्यूजिक्स मिल रहे हैं, आपको विदाउट वाटरमार्क की चीज़ें मिल रही हैं, और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको मात्र 0 रुपीज़ में, फ्री, टोटली फ्री, विदाउट एनी पेनी, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो दिस ऐप इज़ रियली कूल यार, क्योंकि 4K में अब तक मुझे एक्शन डायरेक्टर भी जो है ना वो 1080p में भी देगा ना मेरे को, तो वो वाटरमार्क के साथ ही देता है, एंड विदाउट वाटरमार्क एवरीथिंग इज़ फ्री आपको मिल रहा है। सो आई थिंक दिस ऐप इज़ रियली कूल एंड आई कैन से द बाप ऑफ एवरी वीडियो एडिटिंग ऐप ऑन iOS एंड ऑन Android. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो एडिटिंग ऐप के ऊपर वीडियो, फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप के ऊपर वीडियो पसंद आई हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शूटिंग, कीप शेयरिंग, बी सेफ एंड बी हैप्पी। ओप्स, लाइट गिर गई। दिन में हॉर्न बजते हैं और रात में ये डॉगीज़।